राज्य में सरकार में जरूर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं, तो दोनों की मजबूरी है। हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अस्थिर नहीं बनाना चाहते, तो हमको उनके साथ कुछ दिन तक तो रुकना पड़ेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ये बात सही है। दूसरी बात, मुंबई महानगर पालिका चुनाव, महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाएं हैं, जिला परिषद है 26, तो वहां गठबंधन नहीं होगा। तो ये जो फैसला है सिर्फ मुंबई के लिए नहीं लिया है, पूरे राज्य के लिए लिया है। हम राज्य में अपने दम पर अपने ताकत पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और कल फैसला जब दो जी ने ये लोगों को बताया तो आपने देखा होगा लोगों में कितना उत्साह था, आनंद था। सर, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलायंस, स्टेट और केंद्र सरकार की बात करें तो अलायंस कुछ दिन रुकना होगा। आप अपनी मंजूरियां बता रहे हैं कि सरकार को स्थिरता देना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये मैं सरकार की स्थिरता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य की स्थिरता की बात कर रहा हूं। जब राज्य में अस्थिरता आती है तो जो दुर्बल लोग हैं, जो रोजगार के ऊपर जिनका पेट चलता है, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। आप देखो नोटबंदी के बाद जो हुआ है हमारे राज्य में, मुंबई जैसे शहर में लोगों को आज भी ना सुकून है ना शांति है। तो ये अस्थिरता जब पैदा होती है तो लोगों को बहुत तकलीफें होती है। तो आज ये फैसला हमने लिया है और कहाँ तक आगे जा सकता है ये मैं आपको आज नहीं बता सकता। कौन क्या बोलता है उसमें जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। शिवसेना क्या बोलती है ये मैं आपको बताऊंगा। कोई भी सड़क पे उठेगा और सवाल पूछेगा, अपने औकात पे लोगों ने रहना चाहिए। शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये जो बहुत मंत्र दिया है हमारे पूर्वजों ने, उसका ध्यान सभी ने रखना चाहिए। अगर हमने पत्थर मारने शुरू कर दे तो आपका ना कांच का घर बचेगा ना ईंट का घर बचेगा।